यूपी की चुनावी दंगल के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। पहले चरण के लिए आज सपा ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। लखनऊ में एक मंच पर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी साथ नजर आए, जहां ममता बनर्जी ने सपा गठबंधन को जिताने के लिए लोगों से वोट मांगे और कहा कि इस बार यूपी में खेला होगा। और क्या कुछ कहा है ममता दीदी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी के रण में अब ममता दीदी भी कूद चुकी हैं। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आज लखनऊ में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगे। ममता दीदी ने कहा पश्चिम बंगाल की तरह यूपी में भी खेला होगा। ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सपा का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी ने कहा यूपी में वोटों का बंटवारा नहीं होगा, यहाँ भी 1:1 होगा, यानी यूपी में वोट नहीं बटेगा और सपा चुनाव जीतेगी। ममता ने कहा कि उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, वो देखकर समझ गई कि इस बार सपा की ही जीत होगी, अब की बार अखिलेश 300 के पार। ममता ने कहा कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसी की मदद से डराने की कोशिश करेगी, लेकिन जो डरते हैं वो मरते हैं। अगले चुनाव में घर घर में एक ही आवाज गूंजेगी, अखिलेश जिंदाबाद। हम सभी सीनियर पॉलिटिशियंस मदद करेंगे, यूपी हमारी माँ है, यूपी हिंदुस्तान का हृदय है, बंगाल देश का हाथ है, तो यूपी भी देश का हाथ है। यूपी में भी खेला होगा और बीजेपी को आउट करना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि माँ बहन को सम्मान नहीं है, यदि कोई आंदोलन करता है तो उसे गोली मार दी जाती है, और यदि अखिलेश की पार्टी की कोई गाड़ी खड़ी होती है तो केस कर दिया जाता है। हमारे राज्य में भी बहुत अत्याचार किया था, फिर भी जनता ने बीजेपी को नहीं सुना और जनता ने वोट किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि जाट कभी भी सिर नहीं झुकाते, हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, सभी एक साथ होकर समाजवादी पार्टी को वोट दें। सभी जाति के लोग, चाहे वो दलित हों, ठाकुर हों, ब्राह्मण हों, सभी समाजवादी पार्टी को वोट दें। ममता यही नहीं रुकी, उन्होंने सीएम योगी पर भी एक के बाद एक कई हमले किए और कहा अगर इस बार योगी जीते तो वो जनता को खा जाएंगे। अखिलेश यादव के समर्थन में ममता दीदी का ये प्रचार क्या रंग लाता है, ये तो 10 मार्च को साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।